हमारा घराना 19 जनरेशन से चला आ रहा है और हमारे पहले जो पुरुष थे उनका नाम मंगलदास पांडे था और मोहम्मद शाह रंगीले के जमाने में किसी कारणवश उन्हें इस्लाम कबूल कर ना पा, तब से ये घराना दागर घराने के नाम से मशहूर है। दागर वाणी जो है वो ईश्वर की आराधना उसकी मेन वो है, उसमें हम हमारी कल्पना में ईश्वर की मूर्ति को रखते हैं और उन्हीं की आराधना हम करते हैं और उसमें जो हमारा कार्यक्रम होता है वो हम ईश्वर की आराधना ही करते हैं और उसके बाद जब हमारा ईश्वर प्रसन्न हो जाता है सारी ऑडियंस को भी ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं और सब लोग कहते हैं वाह क्या प्रोग्राम हुआ, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ। कलकत्ता जो है वो इंडिया के आर्ट और कल्चर का कैपिटल है और कलकत्ते के लोग भी मुझे बहुत पसंद हैं। ये बहुत बड़ी जगह है और यहाँ बहुत कदरदान लोग हैं, बहुत समझदार हैं। जो यहाँ तो इम्तहान होता है कलाकार का, यहाँ जो स्टूडेंट भी मिलते हैं वो टैलेंटेड मिलते हैं और उनमें गुरु भक्ति होती है और यहाँ का वातावरण जो है मुझे इतना पसंद आया है कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं आखिरी सांस भी कलकत्ते में ही लूँ। वसंत रुखे ज़ेबा तेरा सुनूरे जहाने आलम है, वल्लैल है तेरी, वल्लैल है तेरी ज़ुल्फ दुता तू राहत जाने आलम है, कामत का नहीं साया है तेरे ये अक्ल है क्या जो तुझे समझे, तू लाख बशर अपने को कहे कुछ और गुमाने आलम है। सन 36 में जून के महीने में हमारे पिताजी उस्ताद नसीरुद्दीन खान साहब का देहांत हो गया था। उससे पहले ध्रुपद जो था वो अपने पीक पर था, उनके जाने से बहुत बड़ा खला पैदा हो गया और उसके बाद ध्रुपद जो है वो धीरे धीरे कम होता गया और सन 42 में जो है जब हम लोग तैयार हुए तो बड़े गुरु जी ने एक प्लान बनाया 14 साल का और उससे हमने ध्रुपद का प्रचार किया, अलग अलग शहरों में गए, वहाँ जाके लोगों को समझाया। जो लोग बिल्कुल संगीत क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं करते थे ऐसे लोगों को मेंबर लिया और उनको समझाते थे बड़े गुरु जी और उसके बाद वो ऐसे उसको पसंद करने लगे थे, जब ध्रुपद होता था तो कभी उस मिस नहीं करते। हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बाबा ग्राहम खान डागर तो जयपुर में गुरुकुल आश्रम था, उसी से प्रेरणा लेकर हमने यहाँ कलकत्ते में 1975 15 अगस्त को यहाँ पे ध्रुपद
हमारे बड़े भाई साहब के नाम से उस्ताद नसीम उद्दीन डागर ध्रुपद संगीत आश्रम की स्थापना की। मैं यहाँ अकेला नहीं रहता हूँ, बल्कि मेरे पास अलोका अशोका बेटी मेरे पास यहाँ आश्रम में रहती हैं। अलोका जो है आश्रम के सेक्रेटरी भी हैं, ट्रस्टी भी हैं, और अशोका जो हैं वो आश्रम के टीचर हैं। ये मेरी देखभाल करती हैं इस तरह से कि अपनी बेटियों को भी ऐसे करने करना आज नसीब नहीं होता है। इसलिए मैं उनको बहुत दुआएं देता हूँ कि वो भगवान उनको बहुत सफलता दे। इसीलिए मैंने उनको नंदी सिस्टर्स करके निकाला है और वो लोग ध्रुपद गाती हैं और भविष्य में वो बहुत अच्छा गाएंगी, ऐसे में मेरी उम्मीद है। हमारे पिताजी इंदौरी कोर्ट म्यूजिशियन थे और हाफिज प्यारे खां और सी के नायडू साहब उनके दोस्त थे। वो हमारे यहाँ शतरंज खेलने के लिए आया करते थे। शुरू से हमको क्रिकेट का बड़ा शौक था, इसलिए सी के नायडू साहब हमारे उस्ताद बन गए। उन्होंने हमको सिखाया, हम बराबर बचपन में खेलते थे और बाद में अभी तक हमें इतना शौक है कि जब कभी भी क्रिकेट की कहीं कॉमेंट्री होती है, पहले रेडियो में सुना करते थे, जब से टीवी आया है तो टीवी पर हम देखते हैं, कभी भी उसको मिस नहीं करते। जिनको मैं बड़े गुरु जी कहता हूँ, ये जो प्रचार का काम था वो पूरा का पूरा उन्हीं का प्लान किया हुआ था और हम दोनों भाइयों ने सैकड़ों परफॉर्मेंस एक साथ दिए। हम दोनों भाई एक दूसरे की आवाज़ पे आशिक थे। वो कहते थे अगर तुम अगर मुझे तुम्हारी जैसी आवाज़ मिल जाती तो क्या अच्छा होता। मैं ये कहता था आप जैसी आवाज़ मुझे मिल जाती तो क्या अच्छा होता। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे जीवन में जो कुछ भी है आज उसकी हर शिक्षा वो ज्ञान जो है वो उन्होंने मुझे प्रदान किया। वैसे शिक्षा मैंने गुरुजनों से ली, मेरे पिताजी से ली, मामा जी से ली, ताऊ जी से ली और चाचाओं से भी ली, लेकिन ज्ञान शिक्षा के साथ ज्ञान जो है वो उन्होंने मुझे दिया। हमारे बड़े भाई साहब जब उनका शरीर चला गया लेकिन उनकी आत्मा हमारे साथ है, इसीलिए हमने ये महसूस नहीं किया कि हम किसी को पार्टनर लें, क्योंकि हमारे पार्टनर तो हमारे साथ ही हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दूसरों को दिखाई नहीं देते लेकिन हमारी कल्पना में वो रहते हैं। बात यह है कि हम दोनों भाइयों में इश्क है और इश्क आत्मा का होता है और हमारे
भाई साहब इसके लिए बड़े चिंतित थे कि हम वो हमारा प्रोग्राम ऐसा बनाया था हमने कि हम कभी भी जुदा नहीं हों, तो इसी के ऊपर आके वो उनके समझ में नहीं आया था कि क्या करने से ऐसा हो सकेगा। उसको मैंने उनके चरण छुए और चरण छू के मैंने उनको प्रणाम करके कहा कि मैं तो आम जिंदगी शादी नहीं करूँगा, जो भाभी से लड़ाई करने वाली कोई आएगी तभी तो हमें अलग कर सकेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बर्लिन में इस बात का निर्णय हुआ जब हमारा प्रोग्राम इंटरवल में बहुत से तालियां बजी और मिसरदानी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैंने जो आपको चैलेंज दिया था कि ध्रुपद दुनिया का सबसे बड़ा संगीत है, क्या आप मुझे पागल समझते हैं या मैं सच्चा हूँ, तो सब लोगों ने हाथ उठा के कहा कि नहीं आप सच्चे हैं, ध्रुपद दुनिया का सबसे बड़ा संगीत है। और इतने अप्रिसिएशन हमें मिला कि तीन प्रोग्राम करने हम लोग गए थे और वहाँ हम 9 वीक्स टाइम में 30 परफॉर्मेंस देकर लौटे और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हमें वहाँ मिला। अब मैं तुम्हें राग कोमल ऋषभ आतावरी में भगवान राम की वंदना का ध्रुपद चौताल में सिखा रहा हूँ। शब्द हैं आयुरे जीत ही राजा रामचंद्र लंका नगर, जित पित सुनी जात छत्र देश भाजे, भाजत राजत आनंद भयो घर घर। आयुरे के पास से गुरु शिष्य परंपरा का शिक्षा हमें मिली है, तो हम लोग भी ऐसे बच्चों को गुरु शिष्य परंपरा का ही शिक्षा देते हैं। यहाँ कोई ना तो डिप्लोमा डिग्री किसी का इस्तेमाल करते हैं। यही तरीका है, इसी से कलाकार बनाए जा सकते हैं। वैसे डिग्री डिप्लोमा इसमें नहीं होता है, लेकिन संगीत की शिक्षा गुरुमुखी विद्या गुरुकुल के हिसाब से ही होती है, इसी से संगीत सीखा जा सकता है। Hi.
हमें बहुत लालच दिए गए। जब दोनों भाई हम गए थे तो हमें बताया गया कि बर्लिन में या पेरिस में आपके लिए हम ध्रुपद विद्यालय खोल देते हैं, आप यहाँ रहिए, आप अपनी फैमिली को यहाँ लेके आ जाइए, आपको बड़ी अच्छी सैलरी देंगे, बंगला देंगे, मोटर देंगे, आपके बच्चों की तालीम यहाँ पे अच्छी होगी, मगर आप यहाँ आ जाइए। तो बड़े गुरुजी ने भी ये कहा कि नहीं, हमें अपने देश में काम करना है, हमें जब आप बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे, और आपके स्टूडेंट्स को अगर सीखना होगा तो आप स्कॉलरशिप देके उनको हिंदुस्तान भेजिएगा, हमारे पास हम उनको सिखा देंगे। भाई साहब के जाने के बाद फिर मुझे भी इस तरह के लालच दिए गए फ्रांस के लिए, पेरिस में, जब बर्लिन में, और उसके बाद न्यूयॉर्क में भी ये कहा गया कि आप यहाँ रहिए, ये सब इंतजाम होगा। लेकिन हम ये इसको मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि हमें हमारे देश में काम करना है और हमारे देश के बच्चों को सिखाना है। अगर हमारे देश के बच्चे तैयार होंगे और कलाकार होंगे तो ही तो हम वो हमारे देश से झंडा लेके आगे जा सकेंगे। अगर हम अपना ये अमूल्य समय विदेशियों को सिखाने में बिता देंगे और जब हमारे जाने के बाद, तो क्या वो विदेशियों का नाम होगा, हमारे देश का नाम नहीं होगा। इसीलिए हमने ये नहीं किया और ना करेंगे। Yeah.
Yeah.